नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शीला जी हैं जो पिछले 10 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनका क्या कहना है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। शीला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 10 सालों से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में? नहीं, 20 साल से नाम लिए हो गए और 10 साल से मैं डेरे में सेवा पे आ रही हूँ लगातार। कैसा माहौल लगता है? कैसा माहौल, आजकल जैसे हम रात को चलते हैं, शाम कहीं रात हो जाए और हम डेरे में पैर रखते ही हमें ऐसा लगता है कि एकदम सेफ जगह आ गए, और कहीं हम बाहर जैसे रुकते हैं ना जैसे, तो ऐसे लगता है लोगों की आंखें जैसे अभी खा जाएंगे, कच्चे खाने को तैयार बैठे। डेरे में कदम रखते ही हमारा डर बिल्कुल गायब हो जाता है। ये मैं कह रही हूँ, चाहे कोई आके जो देखना चाहे वो भी देख सकता है कि वाकई में जो मैं कह रही हूँ सच बात है कि झूठ है। लेकिन मैम, टीवी में तो उल्टा दिखाया जा रहा था यहाँ के माहौल के बारे में, बहुत ही अलग बातें दिखाई जा रही थी। टीवी में तो गलती बताएंगे, हमारे एक मतलब पड़ोसी की आंटी थी तो किसी के इतनी बीमारी हो गई थी कि उसके कीड़े पड़ गए थे पैर में, आस पड़ोस के देख के किसी ने इलाज नहीं कराया, पर प्रेमियों ने देखा, उनको पता चला तो वो लोगों ने, प्रेमियों ने मिल के कहते इसका पहले इलाज कराओ। ऐसा कोई नहीं है, सारे आसपास देखते होंगे अपनी बीमारी को, पर ये प्रेमी जो है ना सतगुरु की सिखाई राह पे ऐसे चल रहे हैं जैसे जो प्रेमी उसको देख के दर्द को वो खुद इलाज करवाते हैं। ये सतगुरु की ही रहमत है, नहीं तो हम आस पास में कितने देखते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं करता। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सरासर गलत है, क्यों हम जब हम एक आम इंसान है, कोई भी आके आजमाना चाहे तो आजमा सकता है जो मेरी बात सुन रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखते तब तक हमें विश्वास नहीं होता। और आज भी संगत क्यों जुड़ी है, अगर ऐसा कुछ होता तो एक बार बंदा आएगा दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तभी ये संगत जुड़ी है, अगर गलत होता तो कभी नहीं कोई प्रेमी दोबारा डेरे में आएगा। ये तो आज कितने लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं? सारे ही जुड़े हैं लगभग, कोई नहीं टूटा। आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या किसी प्रेशर में बोल रहे हो? कोई नहीं, मेरे को प्रेशर कहीं भी खड़े करके कोई भी पूछ सकता है, मैं किसी के सामने भी यही बोलूंगी, क्योंकि हम जो गलत देखा ही नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कैसे। ये मालिक की मेहर ही है जो संगत के नाम से चाहे कहीं भी होता है, जो पुराने प्रेमी टूटे नहीं तो ये तो लोग जो देखे नहीं है, जो आए नहीं है वही कुछ कह सकते, और जिन्होंने देखा है वो तो कुछ कहेंगे नहीं। 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? प्रभाव तो बाहर, आप जैसे हम कहीं बाहर डेरे में आते आते कहीं बाहर है, अगर हमारे साथ कोई आदमी नहीं है तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी भी डेरे में, किसी भी नाम चर्चा घर में, और किसी भी प्रेमी के, मतलब कोई हर प्रेमी बुरा नहीं होता, तो प्रेमी के घर भी मैं नहीं जानती किसी को, मगर अगर प्रेमी का नाम आता है ना तो मुझे उन पर पूरा विश्वास, अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा उन पर विश्वास है। हम जरूरत है संत जी की समाज में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो नशा कर रहे हैं, घर घर में नर्क बना हुआ है, वो तो उनको ही पता है जिनके घर में दारू पीते हैं लोग और नशा करते हैं, एक रोटी भी हजम नहीं होती। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत? मैं सरकार से यही अपील करूँगी, सच तो कहते सच ही है, वो चाहे बाद में चाहे कैसे मर्जी, सच तो कहते सामने आता है, आज 10 साल बाद सच नहीं छुपा है। आज ये मेरे हमारे पिताजी के साथ ही नहीं हुआ है, ये पिछले संत हर किसी के साथ ही हुआ है, और सच सच को कहते कोई नहीं छुपा सकता। ये सजा किसको मिल रही है, समाज या संत? ये तो समाज को मिल रही है, अगर आज मतलब पिताजी होते तो आज संत नाम लेते, किसी का परिवार सुधरे। मैं किसी को नहीं कहती, जो आ गया किसी के दारू पी रहे हैं उसका परिवार सुधरा अगर डेरे में आके, दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नरक से स्वर्ग जो घर बना उससे तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती, जिसका अगर वो कैसे किसी की बातों पे आ जाएगा, जिसका घर स्वर्ग बन गया वो तो नहीं किसी के कहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पब्लिक सामने आ रही है और लगातार बोल रही है कि झूठा बदनाम किया गया। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट।